में क्या दिया है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर जब 27 टू द पावर 27 प्लस 27 को आप 28 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, एक बहुत ही काम का चीज कुछ का फॉर्मूला है जो क्या बोलता है कि अगर भाई मेरे ए का पावर ऑड नंबर है प्लस बी का पावर ऑड नंबर है, ये किससे डिविजिबल होगा? ए प्लस बी से। लिख देते हैं, इज डिविजिबल बाई ए प्लस बी। और इसी को हम ये लिख लेते हैं कि ए प्लस बी जो है ना वो डिवाइड करेगा ए का पावर ऑड नेचुरल नंबर प्लस बी का पावर ऑड नेचुरल नंबर को। ठीक है, सेम ही ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए, 2m प्लस 1 से ऑड नंबर का पता चल जाता है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं कि a माइनस बी जो है ना वह a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n को डिवाइड करेगा, n कोई भी नेचुरल नंबर हो चलेगा। थर्ड क्या बोलते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसको डिवाइड करेगा? ए का पावर इवन नेचुरल नंबर एन बी का पावर सेम इवन नेचुरल नंबर को। एम हमने क्या ले लिया? नेचुरल नंबर। तो ये जो पाते हैं ना ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अगर आप ध्यान से देखो तो हमें रिमाइंडर निकालना है जब 27 टू द पावर 27 प्लस 27 को किससे डिवाइड करना है? 28 से। और हमें निकालना है रिमाइंडर। तो हम सोचेंगे 27 एंड 28 में क्या रिलेशन है, तो पता चलेगा कि भैया 1 ऐड कर दो। तो इसी के लिए जो 27 टू द पावर 27 है ना इसमें हमने 1 ऐड किया। क्या 1 को 1 का पावर 27 लिख सकते हैं? आंसर है बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर आ गया 27 माइनस 1। ये जो है ना 27 टू द पावर 27 प्लस 1 टू द पावर 27 क्या बोल सकते हैं? डिविजिबल बाई 27 प्लस 1। ए का पावर ऑड नंबर प्लस बी का पावर मॉड नंबर डिविजिबल होता है ए प्लस बी से इंटू एम। इसका मतलब ए 27 प्लस 1 का मल्टीपल बच गया 26। तो आंसर आ गया ना 28m प्लस 26। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 28 से डिवाइड किया रिमाइंडर आ जाएगा 26। तो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको सोल्यूशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि यहाँ पे सारे बेस्ट PYQ का सोल्यूशन डिटेल में मिलेगा। सोल्यूशन देख के भी आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है और उस टाइप के क्वेश्चन को आगे फर्दर आप सॉल्व भी कर पाएंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।